भारत राष्ट्र समिति की ओर से डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर चौक रामनगर ज्योति में बैल बंडी मोर्चा का आयोजन किया गया है। इस संदर्भ में पत्र परिषद में जानकारी दी गई। चंद्रपुर जिले के सभी किसानों को खेत जमीन के पट्टे दिए जाए, सभी नुकसानग्रस्त किसानों को आर्थिक पैकेज जाहिर करे, सभी किसानों के कर्ज माफ कर 7/12 कोरा करे, जंगली सुअरों की नसबंदी करे, चंद्रपुर जिले के बांधों का बंदोबस्त करे, चंद्रपुर जिले के सभी अवैध धंधे बंद किए जाए, चंद्रपुर जिले के सभी प्रकल्प ग्रस्तों को न्याय दिया जाए, इन विविध मांगों को लेकर भारत राष्ट्र समिति की ओर से किसान के सम्मान में 12 दिसंबर से 16 दिसंबर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर चौक रामनगर ज्योति से विधान भवन तक बैलबंडी मोर्चा निकाला जाएगा। इस संदर्भ में आयोजित पत्र परिषद में विस्तृत जानकारी दी गई। भारत राष्ट्र समिति तर्फे शेतकऱ्यांच्या न्याय हक्कासाठी आणि स्थानिक भूमिपुत्र बेरोजगारांसाठी ज्योती ते विधान भवन नागपूरवरती मोर्चा बैलबंडी मोर्चा आयोजित करण्यात आलेला आहे। 12 डिसेंबर मंगळवार रोजी सकाळी 9 वाजता ज्योतीवरून सुरुवात होईल आणि 5 दिवस हा मोर्चा बैलबंडीच्या माध्यमातून जाऊन 16 तारखेला विधान भवनावरती धडक देईल। आमची अशी मागणी आहे की चंद्रपूर जिल्ह्यातील सर्व शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यात यावी, त्यांचे 7/12 कोरे करण्यात यावे, रानडुकरांची नसबंदी करण्यात यावी, वाघांचा बंदोबस्त करण्यात यावा आणि स्थानिक भूमिपुत्र बेरोजगारांना इथल्या जिल्ह्यातील उद्योगांमध्ये प्राधान्य देण्यात यावे, या सर्व मागण्यांसाठी भारत राष्ट्र समितीतर्फे हा मोर्चा बैलबंडी मोर्चा आयोजित करण्यात आलेला आहे।